रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अल्कली मेटल्स जो है ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्या बनेंगी? हाइड्राइड्स। लिथियम हाइड्राइड कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर याद है कि नहीं, ये हाइड्रोजन में करा रखा है। तो बाकी सारी हाइड्राइड्स क्या थी? आयनिक। बाकी सारी हाइड्राइड्स आयनिक थी। लिथियम की हाइड्राइड क्या होती है? कोवेलेंट। इनमें भी पानी डाल देंगे तो क्या मिल जाता है? KOH plus H2 गैस, याद है कि नहीं? KOH plus H2 गैस, KOH plus H2 गैस मिल जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया यहाँ पे, लिथियम की हाइड्राइड कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर होती है, बाकी सारी हाइड्राइड्स क्या होती है? आयनिक। बस लिथियम की हाइड्राइड एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट को जनरेट करती है, कौन सा? LiAlH4, याद आ गया कि नहीं? AlCl3 डाल दो या Al2Cl6, इसका डाइमर, और इसका डाइमर, तो इससे मिलता है LiAlH4। और अगर बात करें बेरिलियम अल्कलाइन मेटल्स की, तो बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्टली प्रिपेयर हुई, बस ये रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाए। बेरिलियम की जो हाइड्राइड है वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होगी, इसको प्रिपेयर करने के लिए ना BeCl2 के अंदर बेरिलियम के साथ ही दिक्कत आएगी, बेरिलियम की क्लोराइड भी डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो, इसको प्रिपेयर करने के लिए BeCl2 के अंदर हम डालते हैं LiAlH, इसका रिडक्शन करते हैं तो मिलती है BeH प्लस LiCl प्लस AlCl प्लस LiCl प्लस AlCl, BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3, ये बेरिलियम हाइड्राइड प्रिपरेशन ऐसे है ना, बेरिलियम के हाइड्राइड भी प्रिपेयर नहीं हो पाती ढंग से, और ना ही इसकी हैलाइड, ना इसके हैलाइड प्रिपेयर होगा, तो ये ध्यान देना जरूर, बाकी सब डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाए। तो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है। इसमें भी अगर मैं थर्मल एसिडिटी की बात करूं, थर्मल एसिडिटी क्या होगा? तीन होगा, सबसे ज्यादा थर्मल एसिडिटी किसकी होगी? LiH। एक एनायन है तो कैटायन छोटा होना चाहिए, LiH। अगर दो एटम आ गए एनायन में तो उल्टा आंसर। नेक्स्ट है हैलाइड, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद हैलोजन में करेंगे, जैसे अगर मैंने लिया किसी के साथ रिएक्शन कर लो, Li+Cl2 क्या देगा? LiCl, रिएक्शन हो जाती है, Na+Cl2 NaCl, हैलोजन के साथ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। और अगर बात करें हम अगेन बेरिलियम का, जिसका क्वेश्चन पूछा जाना है, उसमें ही दिक्कत आएगी, बेरिलियम का क्लोराइड भी प्रिपेयर नहीं होता डायरेक्टली, बेरिलियम का फ्लोराइड भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रिपरेशन बेरिलियम फ्लोराइड की आती है, तो ये होता है एमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट से, NH4 2 BeF4, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करते हैं तो जाके BeF2 मिलता है, एमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट, इसको गर्म करेंगे तो BeF2 मिलेगा, साथ में ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस HF प्लस HF, साथ में ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस HF, है ना, टू HF आ जाएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन है बेरिलियम फ्लोराइड, एमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट से, एमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट से इसकी प्रिपरेशन है ना, एमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट से। और उसके बाद बेरिलियम क्लोराइड की प्रिपरेशन, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रोसेस का नाम भी है, और वो है बेरिलियम ऑक्साइड मिला मैंने Be+H4O2 से, क्या मिल जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। और इसके अंदर हम करेंगे रिडक्टिव क्लोरीडेशन, BeO+C+Cl2, BeO+C+Cl2, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव क्लोरीनेशन, ये BeCl2 की प्रिपरेशन है, रिडक्टिव क्लोरीनेशन, BeO+C+Cl2 ये डालेंगे, रिडक्शन तुम्हें दिख रहा हुआ है क्योंकि इसका ऑक्सीजन हट गया और क्लोरीनेशन तो हुआ ही है, Cl2 आ गया, उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्टिव क्लोरीनेशन से प्रिपरेशन होती है इसकी, BeCl2+CO, BeCl2+CO। और सेम तरीके से प्रिपरेशन होती है MgCl2 की भी, MgO+C+Cl2 क्या दे देगा? MgCl2+CO, MgCl2+CO, सेम तरीके से प्रिपरेशन होगी
MgCl2 की बाय रिडक्टिव क्लोरीनेशन, और दो और ऑक्साइड, दो और क्लोराइड्स है जो ऐसे ही प्रिपेयर होते हैं, और वो बोरोन, जैसे ये दो आ गए ना बेरियम मैग्नीशियम बोरोन और एल्यूमिनियम की, B2O3 + C + Cl2, ये दे देगा BCl3 + CO और Al2O3 + C + Cl2, ये दे देगा AlCl3 + C। क्लियर हो गया कि नहीं? ये चारों मेथड का किसके अंदर आते हैं? रिडक्टिव क्लोरीनेशन। ये किसके अंदर आएंगे? रिडक्टिव क्लोरीनेशन। जैसे IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा के पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है, मान लो बेरिलियम से तुम्हें प्रिपेयर करना है, बीई से बेरिलियम से प्रिपेयर करना है BeH2, तो कैसे प्रिपेयर करोगे? बेरिलियम से BeH2 Bcl2 बनाना पड़ेगा। हाँ, इस वाले रिडक्टिव क्लोरीनेशन से फिर बढ़ा देंगे। पहले जैसे तुम बेरिलियम से बेरिलियम की ऑक्साइड भी बना सकते हो, बेरिलियम से बेरिलियम की ऑक्साइड कैसे बनेगी? Be+ 1/2 O2 गिव्स BeO, BeO में क्या डाल देंगे अब? ये कर सकते हैं ना, बी प्लस, फिर क्लोरीनेशन करेंगे BeO+ C+Cl2, BeCl2 मिल जाएगा और फिर BeCl2 में AlIH2, तो BeH2। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके अंदर नहीं? तो ये हो गई यहाँ पे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, मन में बोल के देखना सब हो जाएगा। ये मैंने बोला H2O याद रख लो बस, H2O से क्या आ गया? H से हाइड्रोजन और हैलोजन, और O से ऑक्सीजन आ गया एयर ना, और H2O है। तो चार केमिकल प्रॉपर्टीज है, चार केमिकल प्रॉपर्टीज है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें करा दी है अलग से। तुम्हें टॉपिक कराया एक तो डायगोनल रिलेशनशिप और एनर्जी बिहेवियर, फिर हो गया कि नहीं? अब इसमें यूजेस रह गए जिसके क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। यूजेस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ट्राई करेंगे कि ये मंडे ट्यूजडे में खत्म हो जाएगा, फिर भी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक और होगा, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, ये नोट कर लेंगे। टॉपिक होगा क्वालिटेटिव का, वो कुछ ही बच्चों को करवाऊंगा मैं सिलेबस खत्म होने के बाद, जिन्होंने सारे अब जो टेस्ट हो रहे हैं ढंग से दे दिए थे। 4-5 बच्चे ही करेंगे, सब नहीं करेंगे उसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए।